सभी लड़के ग्रुप डी की तैयारी करते हुए खास करके एग्जाम डेट आने की खुशी में सभी लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने में जोर शोर से लगे। अभी 2 बजे रात को सभी पढ़ाई लिखाई मोबाइल वगैरह जो भी हो अपना यूज कर रहे हैं, सब पढ़ाई में व्यस्त हैं। क्या क्या जी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? ग्रुप डी का तैयारी भी चल रहा है। कैसा चल रहा है तैयारी? बहुत अच्छा चल रहा है तैयारी। कैसा लग रहा है साथ? और भी कैंडिडेट है यहाँ पे आशीष कुमार के साथ, एकदम से प्रेरण में अच्छा से तैयारी चल रहा है। अच्छा फील कर रहे हैं इसके साथ रहने के बाद। तो कैसा तैयारी है इस बार का? इस बार का बहुत अच्छा तैयारी है। उखाड़ देंगे पूरा। देखिए अभी टाइम लगभग कितना हुआ है बताइएगा? 1:56। रात के 1:56 में आप देख सकते हैं सभी किताब खोल के बैठे हुए हैं और पढ़ाई का तैयारी कर रहे हैं। और बताइए कि जब एग्जाम डेट पहला फेज का जैसे पता चला कि एग्जाम डेट आ गया है तो कैसा फील कर रहे हैं बताइए? अच्छा फील कर रहे हैं, कम से कम डेट तो आ तो गया। अच्छा डेट आ गया। जैसा कि डेट आपको पता चल गया है कि रेलवे ग्रुप डी का पहला फेज का एग्जाम का डेट आ गया है, तो आप अपने तैयारी को किस लेवल से देखना चाहेंगे? तैयारी को जो है तो पहले से है ही, और तैयारी को धारदार एकदम बनाते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, हिम्मत नहीं हारना है। बहुत भले रेलवे का डेट थोड़ा विलम्ब हो सकता है, हो सकता है किसी बच्चे का 2 महीना के बाद भी एग्जाम हो, अंतिम फेज में हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, तैयारी जारी रखना है जी, आराम नहीं करना है, क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो गया है तो एग्जाम तो होना ही है, एग्जाम तो होगा ही होगा। क्या हो संतोष जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? कौन किताब है जरा दिखाइएगा तो? वही चल रहा है। अच्छा रेलवे ग्रुप डी साइंस का है, मतलब कि पूरे जोर लगा दिए है ना? हम लोग बिहारी हैं। हाँ। हम लोग का कहना है कि तुल पर रोपते हैं कदुआ। वाह वाह, ठीक है, ठीक ठीक। अभी डेट दिया, पढ़ना स्टार्ट किए हैं, 1 सप्ताह में रिजल्ट के गारंटी। मतलब कि जोश पूरे से है, पूरे। कितना स्कोर है? हम बोल दिए ना 95+। बाप रे बाप, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रखे हैं, बहुत अच्छा। दुनिया एक तरफ, ग्रुप डी का रिजल्ट एक तरफ। वाह वाह वाह, इस बात पे तो बहुत अच्छी बात कही है। बात बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली इस बात पे। हाँ जी, देखते हैं दीवार में बहुत सारा चीज सटा हुआ है, ये सब क्या चीज सटा हुआ है बताइएगा? ये सब जो है ना मैथ का फॉर्मूला है, साइंस का कुछ प्रॉपर्टी सब है। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। पीरियोडिक टेबल। हाँ, देखते हैं कि आपका किताब पूरा बेड पे बिखरा हुआ है, सब रेलवे का किताब है क्या? जी महोदय, देखिए सेट से लेके नोट्स तक। सेट किसका है? सेट क्या? सेट क्या? नोट क्या? ये सेट है। ऐसा मार्केट में कोई टीचर नहीं होगा जिसका कि हम सेट नहीं मारे होंगे। अच्छा, या कोई नोट्स ना पढ़े होंगे। अच्छा, मतलब कि पूरे जोर शोर से तैयारी की। हां ये सब पोस्टर कैसे आते हैं? देखिए पूरे विश्व का मैप है, हम लोग कहाँ रहते हैं, कौन सा देश कहाँ है, ठीक है। भारत का मैप है, ये बिहार का मैप है। ये सब क्या साट है? ये सब ये है फॉर्मूला। कुछ ऐसा बात होता है जो हमेशा याद नहीं रहता, कुछ समय बाद भूल जाते, इसलिए इसको क्या कर दिए, डिनोट कर दिए। अच्छा, ठीक है, जिसको एक बार देखते रहिएगा हमेशा माइंड में मेकअप होता है। अच्छा, उसको मतलब दिन में एक बार देख लेते हैं? हाँ, दिन में कम से कम 3-4 बार अपना नजर पड़ जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि पता चला है कि आप बहुत सारा रिजल्ट दिए हैं, तो कौन कौन सा रिजल्ट दिए आप? रिजल्ट तो बहुत सारा हुआ है, एयरफोर्स में भी हुआ था, पिछले बार ग्रुप डी में भी हुआ था, दौड़े भी, लेकिन नहीं बुलाया, फिर वेटिंग में रख दिया, नहीं बुलाया। अब क्या अच्छा। बताएं, सिस्टम का खराबी है। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर इस बार देख रहे हैं कि NTPC में हुआ है, उसमें भी उम्मीद है। अब दूसरा लास्ट में है, अब टाइपिंग बचा हुआ है उसका। हाँ, अच्छा टाइपिंग बचा हुआ है। ग्रुप डी है, अब यही आखिरी उम्मीद है, यही बड़ा पार लगाएगा। जी जी जी, यही है। और सुनने में आया कि आप मैथमेटिक्स के स्पीड कहे जाने वाले स्टूडेंट हैं, स्पीड के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। स्पीड का बादशाह ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई भी समझेगा, बनाएगा, सबसे बनेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं, ऐसा सुनने में आया। आपको बता दें कि हम भी SSC GT 2022 में जो रिजल्ट आया हुआ था, उसका एग्जाम हम भी पास किए थे। हम भी वैसे लगातार जारी रखे तैयारी को, रेलवे ग्रुप डी का हम भी कर रहे तैयारी, ये मेरा रखा हुआ ग्रुप। हाँ,